सांसद श्रीमती गोमती सायजी अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते मुझे 17 वर्ष हुआ है। जो मुझे अनुभव हुआ है, मैं 17 साल मेहनत की, मैं एक छोटे से गांव से आया और मुझे भारतीय जनता में जगह मिली। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं होती, एक राष्ट्रीय पार्टी है, हमें सशक्त और मजबूत बनाती है। विश्वास के साथ मैं सभी को बोलती हूँ कि आप सभी संगठन को मजबूत कर कार्यकर्ता ही हमें जीत दिलाता है। वही प्रदेश मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस पार्टी सिर्फ धोखा देती आई है, गंगा जल का कसम खाती है, किसानों को सिर्फ घोषणा करती है, पूर्ण नहीं करती। 2 साल से ऊपर हो चुका छत्तीसगढ़ शासन को, अभी तक कांग्रेस सरकार राज्य के जनता को धोखा ही धोखा दिया है। गरीब किसानों से गाय का गोबर 2 रुपए में खरीद रहा है और उसे उसी किसान को 10 रुपयों में सोसाइटी के माध्यम से खाद के रूप बेच रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज की तरह सोचता है, पूरे विश्व में लोकप्रिय के नाम से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सदस्य, प्रभारी, बूथ लेवल मजबूत बनाया जाएगा। अच्छे कार्यकर्ता सामाजिक क्षेत्र में काम करे, सक्रियता विकास के प्रति ऊर्जावान को बनाया जाएगा। हर बूथ में 25 कार्यकर्ता की टीम चयन कर सेवा का भाव विकास के प्रति रहे तो हम चुनावी रणनीति बना सकते हैं। वही पार्टी के कई भाजपा नेता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के हर गतिविधि के लिए सांगठनिक तैयारियों की दृष्टि से बैठक चलती रहती है। नगरी निकाय का यहाँ पे चुनाव होना है, इस दृष्टिकोण से हमारे सभी वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में आज हमारे कार्यकर्ता साथियों के साथ मेल मिलाप की दृष्टि से आज का यह बैठक रखी गई थी। के किसान हर दृष्टिकोण से कांग्रेस से त्रस्त हो चुका है। अभी अभी कल आपने देखा होगा कि हम लोग कलेक्ट्रेट में जाकर किसानों की मांग रखनी पड़ी कि मानसून से पहले जो अचानक अतिवृष्टि हुई उसके कारण से गर्मी की जो धान की फसल थी वो पूरी तरह से इस पूरे बेल्ट में, बरम केला पुसौर के पूरे बेल्ट में आप देखेंगे कि वो बर्बाद हो गई है, लेकिन उसका मुआवजा नहीं मिल पाया है। हमने कलेक्टर महोदय को कल आवाज़ उठाई है, उन्होंने कहा 3-4 दिवस के भीतर में RBC 6-4 के अंतर्गत और फसल बीमा की राशि दोनों प्रदान की जाएगी, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। इसी तरह से हर एक मुद्दा किसानों की दृष्टि से बहुत गंभीर होता जा रहा है। गोबर की दृष्टि से देखिए, किसान से 2 रुपये में कांग्रेस सरकार गोबर खरीद रही है और 10 रुपये में जबरन कंपलसरी रूल बना के सोसाइटी के माध्यम से 10 रुपये में गोबर वापस किसान को दे रही है। अगर आप गोबर नहीं लेंगे तो आपको खाद बीज ऋण नहीं मिल रहा है सोसाइटी से, अत्यंत विडम्बनापूर्ण स्थिति है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हर महापुरुष के नाम पे कॉलेज का नाम और अलग अलग संस्थानों का नाम होना चाहिए, लेकिन आपको ये नाम बदलने के बजाय बेहतर है कि एक नहीं 5 और वैसे और उससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाकर नए नामकरण करें तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। लेकिन कांग्रेस तो हर जगह बिना काम किए नाम लेने की कोशिश करती है। जी, क्या भारतीय जनता पार्टी 2400 घंटे 365 दिन कार्य करने वाली पार्टी है। संगठन की दृष्टि से लगातार हमारी तैयारियां चलती रहती हैं। हाँ, चुनाव की दृष्टि से निश्चित रूप से कुछ अलग रणनीतिक कार्य किए जाएंगे। देखिए, एक परिवार के भीतर कई तरह के मतभेद रहने स्वाभाविक रहते हैं कई बार, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए पार्टी चलती है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और उसी दृष्टिकोण से मजबूती के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी और न केवल नगर पालिका का चुनाव जीतेंगे बल्कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी। 1.25 साल के बाद आज पहला बैठक था रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी का, और ये सफलतम बैठक है। और आज सब लोगों से मिल करके बड़ा खुशी भी हुआ और एक सकारात्मक बैठक हुआ। आज कोई विषय को लेकर के नहीं था, लेकिन ये रायगढ़ संसदीय क्षेत्र का ये पहला बैठक है और पहला बैठक मान करके हम लोग आज इस बैठक में शामिल हुए और ख़ास करके सभी लोगों का हालचाल जानना था, जान गए और एक दूसरे से वार्तालाप करने का ये बैठक था, कोई विशेष बैठक नहीं था। आगामी चुनाव है, कार्यकर्ताओं की जिस तरह से आज बैठक हुई
क्या करके जो है आगे ऐसे चुनाव आप जो रहे उसमें सफल पाएंगे ऐसा कुछ क्या रहे? देखिए जो अफवाह कुछ असम वैधानिक लोग जो फैला रहे हैं कि यह सारंगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लोग बीजेपी को छोड़ रहे हैं, ये तो एक हवा है। खासकर यहाँ आकर पता हम लोगों को जो पता चला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो शुद्ध कार्यकर्ता है आगे भी थे, वही आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। उनके मन में ना कोई छल है ना कपट है, एक साथ लड़ने के लिए एक साथ हम लोग चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग ठान लिए हैं और आगे ऐसे ही रणनीति बना करके हम लोग आगे भी काम करेंगे। अब आप इस बात से अवगत हैं और पूरा विश्व जान रहा है, पूरा देश जान रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ जान रहा है कि किस तरह का वैश्विक महामारी चल रहा है। अभी विकास का काम कांग्रेस सरकार में तो हो नहीं रहा है, अगले 2.5 साल हो गया लेकिन एक भी विकास का काम हो नहीं रहा है। लेकिन खाली हम लोग वैश्विक महामारी से लड़ने कैसे बचे, हमारे लोगों को कैसे बचाएं, यही रणनीति में काम चल रहा है और लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे भी जंग जारी है और इसको कैसे लड़ेंगे ये रणनीति में हम लोग चल रहे हैं। और जब कोरोना काल ख़त्म हो जाएगा विकास काम तो होगा, लेकिन अभी विकास काम रुका हुआ है और आगे की रणनीति जैसे समय थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है तो आगे की रणनीति बनाएंगे। बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा है ना, भाजपा के सभी वरिष्ठ लोग आए थे, सांसद महोदय आई थी, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह देखने को मिला और आज सभी ने एक कसम लिया है कि आगामी नगर पालिका चुनाव में है ना माने भाजपा को माने जीत दिलाएंगे और अच्छा काम करेंगे करके। वो सब हवा है, वैसा कोई गुटबाजी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई गुटबाजी नहीं है, सब बढ़िया है।